हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी होम पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन, जो कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है हर बार आपसे किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये UPSC, UPSSSC, इलाहाबाद हाईकोर्ट, RO का एग्जाम होता है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उस सभी के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है ये मैंने तैयार किया है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगी, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको एग्जाम में कहीं भी देखते हो तो आप जरूर इसको टिक करके आओगे, चाहे आपसे ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। तो अभी क्या करना है आपको, इस कोर्स को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो कि है स्टडी होम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। और इस क्वेश्चन पेपर को बनाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि अगर इसको आप देख लेते हो तो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में आपका तो सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि अगर आप 1 नंबर से या फिर 0.25 मार्क्स से भी अगर आप रह जाते हो तो एग्जाम में आप क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। तो बहुत बुरा लगता है जब आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो एग्जाम को। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन होना ही है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इस कोर्स को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सके और जो भी चीजें उनको सीखना है वो यहाँ से आसानी से सीख सके। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसी बात को ध्यान में रखा है कि मुझे आपको इंजीनियर नहीं बनाना है, बल्कि मुझे आपको इतना ज्यादा जरूर पता पढ़ा देना है कि आप एग्जाम में कहीं से भी अगर इस क्वेश्चन को देखते हो, कहीं भी अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप इसका आंसर आप जरूर करके आओगे, ये मैं श्योरली आपको बता सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स को जरूर देखना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्लीज प्रेस कीजिए और इस कोर्स को आगे भी देखते रहिए। नए नए कोर्सेज के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, ये है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का 2020 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेस टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ कि कोई भी कंप्यूटर जो कि प्रोवाइड करता है हमें रिसोर्सेस टू अदर कंप्यूटर को, जो कि प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस को दूसरे कंप्यूटर को, ठीक है, जो कि रिसोर्सेस को दूसरे कंप्यूटर को भी प्रोवाइड कराता है, तो उस कंप्यूटर को हम नेटवर्क में क्या बोलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से वो क्या है ऑप्शन, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर जो कि दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इन चारों में से सेलेक्ट करके आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है आपसे पूछा गया है नेटवर्क, ये की गलत है। फिर है आपसे पूछा गया सुपर कंप्यूटर, ये भी गलत है। और तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, ये भी गलत है। और चौथा है आपका सर्वर, जो कि सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वर। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेटवर्क क्या है, तो हमारे पास जितने भी मोबाइल होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि हमारे पास है इंटरनेट सभी को चलाने के लिए। आप मोबाइल पे कुछ भी सर्च करते हो तो इंटरनेट से वो डेटा आपके पास पहुंचती है, और वो डेटा आपके पास कैसे पहुंच रही है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, ठीक है। एक कंप्यूटर से आपने पूछा, एक मोबाइल से आपने उस क्वेश्चन को टाइप किया, दूसरे पे भेजा आपने, जहां पे भेज रहे हो वो जा रहा है नेटवर्क के थ्रू, और जो आंसर आपको आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपको सर्वर के थ्रू, यानी कि सर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि सर्वर पे ये डेटा पहले से ही सेव है, पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो और हर ऑफिस का एक हेड जरूर होता है और बाकी सारे होते हैं उसके कॉलिग्स, ठीक है, यानी कि उससे छोटे होते हैं, कॉलिग्स होते हैं आपके, आपके बराबरी के होते हैं, क्लाइंट होते हैं आपके। तो एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से कनेक्टेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है, किसी भी ऑफिस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो जो ऑफिस है ये अपने आप में बना रहा है एक नेटवर्क, और ऑफिस में है एक हेड पर्सन, आपका बॉस, ठीक है। तो बॉस ने आपको ऑर्डर दिया और आपने क्या किया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो
तो बॉस यहाँ पे क्या हो गया नेटवर्क में, मान लीजिए ये एक नेटवर्क ही है, नेटवर्क की तरह ही काम कर रहा है, ऊपर से नीचे लेवल तक बॉस है, बॉस ने आपको ऑर्डर दिया, आपने अपने से नीचे जाने वालों को ऑर्डर दिया, ठीक है, और सबसे नीचे पे होता है मान लीजिए प्यून, तो ठीक है, तो आपने उसको ऑर्डर दिया कि मुझे ये फाइल चाहिए, यहाँ से ये चीज मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं एक नेटवर्क के थ्रू ही काम कर रहे हैं एक दूसरे को, और नेटवर्क के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक और ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक। ऐसे ही इंटरनेट में मोबाइल में ये सब काम करता है, नेटवर्क जो है वो सर्वर के थ्रू ही काम करता है, सर्वर जो है वो हमारा बॉस है, और आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उससे पूछा और उसने आपको जवाब दे दिया, तो आज का आंसर है सर्वर, इसी को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर्वर क्या है। अ सेंट्रल कंप्यूटर फ्रॉम विच अदर कंप्यूटर गेट इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि सेंट्रल कंप्यूटर है, वो मुखिया है आप सभी का, जो कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है दूसरे कंप्यूटर्स को, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसोर्सेज क्या हो गई, ये तो नई चीज आ गई, तो रिसोर्सेज क्या होता है दोस्तों, आप कहीं भी साइबर कैफे में जाते हो और आपको मान लीजिए एक पेज का प्रिंट चाहिए, आप बैठ जाते हो किसी भी कंप्यूटर पे, आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, आप फॉर्म फिल करते हो कि मुझे ये फॉर्म फिल करना है, या मेरे लिए ये जो है एप्लीकेशन मुझे फिल करना है, या फिर मेरा कहीं से कॉल लेटर आया है, मुझे जॉब लग गई है मेरी, मुझे कॉल लेटर आया है, तो आप उसका क्या करते हो, प्रिंट निकालने के लिए जाते हो, आप क्या करते हो, ऑप्शन डालते हो प्रिंट, और प्रिंट होता है कहाँ पे, आपके कंप्यूटर पे प्रिंटर, जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पे ही प्रिंटर लगा हो, आप जहाँ भी जाते हो साइबर कैफे में, तो वहाँ पे 10-12 कंप्यूटर होते हैं और एक या दो प्रिंटर ही होता है, तो यह जो प्रिंटर है यही आपका हो गया है रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स यही है, क्योंकि आपने प्रिंट ऑप्शन पे प्रिंट बटन दबाया और ये ऑप्शन जो है प्रिंट ऑप्शन गया है कहाँ पे, जो साइबर कैफे का मेन पर्सन है उसके पास रखा हुआ है प्रिंटर, और वहां पे जाके आपका प्रिंटर होके एक प्रिंट पेज प्रिंट होके निकल जा रहा है उस प्रिंटर के थ्रू, तो ये जो प्रिंटर है यही हो गया आपका रिसोर्सेज, जिसको सारे कंप्यूटर वहां पे जितने भी कंप्यूटर है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं उस प्रिंटर को, तो ये जो प्रिंटर है ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रिसोर्स। तो उसी प्रकार से नेटवर्क में भी क्या होता है, हम रिसोर्सेज का रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक दूसरे के थ्रू क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, उसके थ्रू 5-6 मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, वाईफाई से आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मान लीजिए व्हाट्सएप ही, आप इंफॉर्मेशन को 5 बंदे हैं तो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को भेज रहे हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेटवर्क। तो कोई नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो क्लाइंट सर्वर हो, चाहे वो नेटवर्क सर्वर हो, और सर्वर भी कई टाइप के होते हैं, क्लाइंट सर्वर होता है, नेटवर्क सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज सर्वर होता है और डेडिकेटेड सर्वर भी होता है, बहुत सारे होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर होता है, सर्वर जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। तो आप मान लीजिए आप जाते हो बैंक, और बैंक में आपको कुछ पैसे जमा करने होते हैं, लेकिन मान लीजिए उस दिन बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ा हुआ है, तो आपको कहते हैं क्या है बैंक वाले कि आज सर्वर जो है वो डाउन है, आप कल आइएगा आपका काम हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन कैसे हुआ भैया, सर्वर डाउन इस तरह कैसे हुआ कि उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, और बहुत ज्यादा लोड क्यों पड़ गया है, क्योंकि वो जो सर्वर है आपका वो सेंट्रलाइज सर्वर है, मान लीजिए सिर्फ उसी ऑफिस का है, सिर्फ उसी बैंक का है, तो उस पर सिर्फ एक ही सर्वर है, तो उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, बहुत ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया कि मुझे आज पैसे जमा करने हैं, तो सर्वर जो है वहाँ पे डाउन हो जाता है और आपका काम जो है वो नेक्स्ट डे ही कम्प्लीट हो सकता है। और दूसरी चीज आपको समझ में आती है कि आज सर्वर क्रैश हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए आप जाते हो, ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए आप जाते हो, आपको जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है लखनऊ, ठीक है, तो आपको चाहिए उसके लिए ट्रेन की टिकट, और ट्रेन की टिकट कटाने जाते हो आप IRCTC के वेबसाइट पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपने कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ अपने मोबाइल, ठीक है,
तो मोबाइल पे आपने सर्च कर दिया IRCTC और आपको बुक करना है ट्रेन का टिकट लखनऊ से दिल्ली या फिर दिल्ली से लखनऊ के लिए। तो आपने क्या कर दिया, आपने रिक्वेस्ट भेजी, ये है सर्वर। सर्वर जो है मान लीजिए उस टाइम बिजी है तो बोलेगा सर्वर डाउन है, आप अभी टिकट बुक नहीं कर सकते हो। और IRCTC ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके पास खुद के 17 सर्वर हैं। 17 सर्वर क्यों है, क्योंकि ये जो है ये डेडिकेटेड सर्वर पे वर्क करता है, यानी कि पूरे इंडिया पे सिर्फ एक ही सर्वर नहीं है, इसके टोटल 17 सर्वर हैं और ये 17 जगह पे अवेलेबल है। यानी कि दिल्ली का बंदा जो है वो लखनऊ के सर्वर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, सिर्फ एक ही सर्वर नहीं है, उसके पास ज्यादा लोड नहीं होगा। ठीक है, 17 सर्वर हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई ना कोई सर्वर जो है वो एक्सेप्ट जरूर करेगा और आपका टिकट जरूर बुक हो जाएगा। तो आपने सर्वर को विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन भेजी सर्वर को कि मुझे दिल्ली से लखनऊ की टिकट चाहिए और मुझे ट्रेन चाहिए 8 बजे रात की, मुझे टिकट चाहिए, तो कोई ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं, मुझे कल की ट्रेन चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास गया। इंटरनेट ने क्या किया, आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ा, आपने इंटरनेट के थ्रू क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास इंटरनेट के थ्रू कि भैया मुझे कल की टिकट चाहिए, इतने बजे की मुझे जाना है दिल्ली। तो सर्वर ने क्या किया, इंटरनेट ने सर्वर को भेजा और सर्वर ने क्या किया, चेक किया पूरी लिस्ट, देखी कि हाँ मेरे पास जो ट्रेन है उसमें सीटें अवेलेबल है, और उसने आपके पास इंफॉर्मेशन भेज दी कि हाँ अभी 24 सीटें हैं जो कंफर्म सीटें हैं और अवेलेबल हैं। तो वो कैसे भेजेगा, वो भेजेगा आपको इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा है कौन, इंटरनेट प्ले कर रहा है, क्योंकि ये बिचौलिए की तरह काम करता है, बीच वाले की तरह काम करता है आपके और सर्वर के बीच। आपने इंफॉर्मेशन भेजी इंटरनेट को, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन भेजी सर्वर को, सर्वर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और जो भी इंफॉर्मेशन थी उसने भेज दी वापस इंटरनेट पे, और इंटरनेट ने वापस भेज दी आपके क्लाइंट के पास। तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो प्ले करते हैं एज अ क्लाइंट, और जो मेन कंप्यूटर होता है वो जो हेड होता है, वो जो लीड करता है पर्सन, वो होता है आपका सर्वर। ओके, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्वर क्या होता है और सर्वर कैसे वर्क करता है। और डेडिकेटेड सर्वर जो होते हैं उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिंटर्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज ऐसा वर्क करती हैं, और इसके परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत हायर होती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रलाइज कंप्यूटर। सेंट्रलाइज सर्वर, सॉरी सेंट्रलाइज सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर होता क्या है, मान लीजिए आपका ऑफिस है उसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी ऑफिस के लिए जो सर्वर काम करता है वो होता है सेंट्रलाइज सर्वर। ठीक है, और उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। अगर बंदे ज्यादा हो गए, मान लीजिए 100 या 1000 बंदे हो गए और एक ही सर्वर है, तब उस पर ज्यादा जाके लोड पड़ेगा और सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा, सर्वर जो है वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोअर परफॉर्मेंस है। और जो आपकी सर्वर है IRCTC के सर्वर है, उसके पास 17 सर्वर है, तो उसका जो काम होगा वो हायर परफॉर्मेंस आपको देगा। ठीक है, तो यही था क्लाइंट सर्वर मॉडल जो कि मैंने आपको समझाया है, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या है। अगर आप एग्जाम में कहीं भी देखते हैं तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बताया गया है आपको सर्वर क्या होते हैं। अ सर्वर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर की टाइप होता है, और डिवाइसेस और नेटवर्क, नेटवर्क पे कोई एक कंप्यूटर या फिर कोई एक डिवाइस होता है दैट मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज, जो कि नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, कैसे मैनेज करता है, जैसे प्रिंटर है, आपने पहले ऑप्शन दे दिया प्रिंट करने का, तो भैया आपका प्रिंट होके पहले आएगा। दो बंदों ने एक साथ दिया तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, देखेगा कि पहले किसने काम दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो सर्वर आर ऑफन डेडिकेटेड, सर्वर कई बार डेडिकेटेड होते हैं, सर्वर कई बार क्या होते हैं सेंट्रलाइज भी होते हैं। सेंट्रलाइज यानी कि कोई एक सेंट्रल में कोई एक बंदा बैठ गया तो सेंट्रलाइज, और डेडिकेटेड यानी कि एक बंदा 4 भाग में बट गया तो डेडिकेटेड। ठीक है, सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट एंड रेस्पॉन्ड्स द रिक्वेस्ट मेड ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क पे जितनी भी रिक्वेस्ट पड़ती है, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, तो उसको कौन हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है सर्वर, सर्वर उसी पे रिस्पॉन्ड करता है।
The devices that makes the request and receives a response from the server is called a client. और जो डिवाइस जो कि रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है सर्वर, उसके थ्रू जुड़ा होता है कौन? क्लाइंट जुड़ा होता है जो कि रिक्वेस्ट कर सकता है और रिस्पॉन्ड करता है आपका सर्वर, ठीक है। तो ये था आपका सर्वर। सर्वर क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप इसको देखिएगा बार बार, समझ में आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। डायग्राम है इंटरनेट पे, बहुत सारी डेटा आपको अवेलेबल मिलेंगी जहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सब क्या कीजिएगा, मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाती हूँ UPSC सेक्शन में, UPSC एंड UPSS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 
वहाँ पे मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से भी लाभ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको कई बार समझ में नहीं आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ संगीता झा और आपको नए नए कोर्सेज मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोर्सेज को देखते रहिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों।